आज का जो क्वेश्चन है वो नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन वन, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर बाय मेंडेल इन हीज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। मीन्स कि यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो मेंडेल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसमें से कौन से कैरेक्टर को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, जिसे हमारे ऑप्शन है ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, सीड ग्रीन और येल्लो, पोड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ। तो कौन से कैरेक्टर को इन्होंने कंसिडर नहीं किया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बच्चों जैसे देखो, मेंडेल जिनको हम फादर ऑफ जीनेटिक्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपकी नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेंडेल का जो पूरा नाम था वो था ग्रिगर जॉन जॉन मेंडेल, ये उनका पूरा नाम था ग्रिगर जॉन मेंडेल, जिनको हम फादर ऑफ जीनेटिक्स भी बोलते हैं। अब मेंडेल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट, कौन से प्लांट पे किया था, गार्डन पी प्लांट। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गार्डन पी प्लांट जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटिवम सेटिवम पाइसम सेटिवम, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑन विच प्लांट मेंडेल कंडक्टेड हीज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन या तो आपको गार्डन पी प्लांट दिया होगा या तो उसका बॉटेनिकल नाम दिया होगा पाइसम सेटिवम, तो ये भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पाइसम सेटिवम। नाउ तो जैसे हम बोल सकते हैं कि मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर 7 ईयर्स, प्लीज रिमेंबर फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक उन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे। कितने साल तक, 7 साल तक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1856 और कंप्लीट हुआ था 1863 में। मीन्स के 7 साल तक, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू किया था, तो उन्होंने 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ था 1863 में, 7 साल तक। सो नाउ 7 ईयर तक। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मींस के इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट, तो ही एस्टाब्लिश द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर होते हैं, जो हेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। अब देखो, तो जो मेंडेल ने गार्डन पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट पे सिलेक्ट किए थे, तो उन्होंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट थे और कुछ कैरेक्टर रिसेसिव थे। तो जैसे देखो, हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो कैरेक्टर अगर हम देखें, कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के कैरेक्टर्स थे, एक थे डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरे थे हमारे रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर कौन से थे, तो उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। जैसे फर्स्ट है कि सीड का शेप कैसा था, तो राउंड एंड रिंकल। तो राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर लिया था और रिंकल के लिए स्मॉल आर। मीन्स के जो कैपिटल आर था राउंड, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो रिंकल था वो
स्मॉल आर जो रिसेसिव कैरेक्टर था। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, सीड शेप, सीड का शेप कैसा था। तो कुछ जो पी प्लांट थे उनके सीड राउंड थे जो डोमिनेंट थे, और कुछ जो पी प्लांट थे उनके जो सीड थे वो रिंकल थे, रिंकल सीड थे। दूसरा उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो था सीड कोटिलेडोन, सीड कोटिलेडोन कलर, सीड कोटिलेडोन कलर। जो सीड के कोटिलेडोन का कलर क्या था, तो जो येलो कलर था कैपिटल वाई और ग्रीन कलर था स्मॉल आर जो रिसेसिव था। मीन्स के कुछ सीड जो थे वो येलो कलर के थे और कुछ जो सीड थे वो ग्रीन कलर के थे, कुछ सीड थे वो ग्रीन कलर के थे। उसके बाद जो उन्होंने थर्ड कैरेक्टर लिया था वो था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या थी, फ्लावर पोजीशन तो दो तरह की थी, एक्सियल एंड टर्मिनल। कुछ फ्लावर एक्सियल मतलब टॉप पोजीशन पे थे, कुछ टर्मिनल। तो एक्सियल जो डोमिनेट था उनके लिए उन्होंने कैपिटल ए लिया था, रिसेसिव था उसको ए दिया था स्मॉल ए। फोर्थ जो पोजी कैरेक्टर था वो था फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर। तो कुछ फ्लावर के कलर वायलेट थे, कुछ फ्लावर के कलर वायलेट थे जिसको हम कैपिटल वी लेते हैं, और कुछ फ्लावर के कलर वाइट कलर थे मतलब के बिना कलर वाले थे, तो वो था वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी वायलेट। ये चार कैरेक्टर हो गए। दूसरा जो उन्होंने लिया था वो था पोड शेप, पोड शेप। तो कुछ जो पोड थे वो इन्फ्लेटेड थे मतलब फूले हुए थे, तो इन्फ्लेटेड जिसको उन्होंने कैपिटल आई लिया था इन्फ्लेटेड, और कुछ जो पोड का जो शेप था वो कॉन्स्ट्रिक्ट था, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब दबा हुआ था, उसके लिए उन्होंने स्मॉल आई लिया था, स्मॉल आई। फिर उन्होंने जो लिया था वो था पोड कलर, पोड का कलर। तो कुछ जो पोड का कलर था वो ग्रीन कलर था मीन्स के कैपिटल जी जो डोमिनेंट था, और कुछ जो पोड का कलर था वो येलो कलर था बिरबर मतलब के स्मॉल जी, स्मॉल जी। और जो लास्ट उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो था स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। तो कुछ जो स्टेम थे वो टॉल थे जिसको उन्होंने डोमिनेंट टी किया था, और कुछ जो स्टेम थे वो ड्वार्फ थे मींस के स्मॉल टी। तब देखो बच्चों कि ये सात कैरेक्टर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था ऑन गार्डन पी प्लांट, इन गार्डन पी प्लांट सॉरी, जैसे सीड से सीड कोटिलेडोन कलर, फ्लावर पोजिशन फ्लावर कलर, पोड से पोड कलर एंड स्टेम हाइट। अब देखो इसमें से अगर हम देखते हैं तो सीड कलर तो उन्होंने लिया था, ये तो था, पोड इन्फ्लेटेड ये भी था, और स्टेम हाइट भी था, और ये जो था ट्राइकोम्स ये उनके कैरेक्टर नहीं थे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ए राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए मींस के इसमें से कौन से कैरेक्टर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं लिए थे, वो था ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। तो बच्चों आज हमने देखा स्नैपशॉट में क्वेश्चन नंबर वन। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है इस सीरीज के सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।